अगर आप YouTube पर व्लॉग्स बनाते हो और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, या आपका मन है कि चलो भाई व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि कितना पैसा मिल सकता है व्लॉग बनाकर। एक होता है नॉर्मल व्लॉग्स बनाना और एक होता है मोटो व्लॉग। इनमें अर्निंग का कोई खास डिफरेंस नहीं रहता और मैं करता हूँ मोटो व्लॉगिंग और नॉर्मल व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिकॉज हमारी एक वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज हिट करे हैं अभी, मैं आपको 1 मिलियन व्यूज की एग्जैक्ट इनकम दिखाने वाला हूँ अपना यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करके। तो वीडियो को ना पहले लाइक कर देना, बाद में तो आप देखते ही भाग जाओगे, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप किसी भी बड़े व्लॉगर का अर्निंग देखकर ये सोचते हो कि उसके जितना ही अर्निंग मेरा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। हो सकता है आपको 6,000 व्यूज पर $1 मिले, हो सकता है आपको 10,000 व्यूज पर $1 मिले। मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको हैंग करने वाला हूँ। मैं आ चुका हूँ अपने YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में और मैं यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो पे चला जाता हूँ जो मोस्ट व्यूड वीडियो है, जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज है। तो यहाँ पे अभी ये शो कर रहा है 9,08,000, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद मैं गो टू एनालिटिक्स पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहां पर देख सकते हो इस वीडियो का रिवेन्यू कितना है, $119 ओनली। मैं आपको INR में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। आप यहां पर देख सकते हो 1,000 व्यूज पर ₹9, 9.77, मतलब 1,000 व्यूज पर ₹10 मेरे को मिले इस वीडियो पर। कितना कम, अगर ये टेक चैनल पे होता भाई यहाँ पे हजारों रुपये होते। 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं, 9,08,000 व्यूज है आपके सामने, 9,08,000। एंड यहाँ पर देखो 8,800 रुपये, 9,000 रुपये भी पूरे नहीं मिले हैं। अब मैं आपको उस वीडियो पर लेकर चलता हूँ जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो लोगों की नजरों में भी इस टाइम खतरनाक वाला खटक रहा है कि भाई अर्निंग तो बढ़िया हो गया होगा। तो इस वीडियो पर 12 लाख व्यूज है, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के एनालिटिक्स पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देखो इस वीडियो पे जो एग्जैक्ट व्यूज है 1.2 मिलियन, एंड यहाँ पे आप लाइव व्यूज देख सकते हो कितने हैं। ओके, तो मैं इसके रिवेन्यू पर चलता हूँ। आपके सामने 1 मिलियन व्यूज पर कितने रुपये हैं भाई, खुद देख लो, बोलने की भी जरूरत नहीं है। RPM देखो। अब आप इस चीज को देखकर डिमोटिवेट मत होना, अपना चैनल छोड़ के मत भाग जाना। मैं आपको बताऊंगा कि अर्निंग ज्यादा कैसे होता है। पहले आप यहाँ पे देखो 7,500 रुपये, ओके, एंड मतलब वीडियो का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही गया, एंड 7.41, मतलब ₹7 हमें मिल रहे हैं 1,000 व्यूज पर, जबकि टैग चैनल पर 1,000 व्यूज पर 400 से 500 रुपये मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ₹7, यार गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और एक वीडियो हमारा और चल रहा है, 1,78,000 व्यूज चले गए, एंड इस पर देखो भाई कितना रिवेन्यू है, यहाँ पर देखो 3,100 रुपये, ₹17 का यहाँ पे मिल गया हमें RPM। तो इसको ना साइड में रखते हैं, बातें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा उसका ध्यान रखना। आपने अपने व्लॉग चैनल की शुरुआत कर दी, आप रोज व्लॉग्स भी अपलोड कर रहे हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है एक दिन काफ़ी मेहनत करने के बाद, या ऑलरेडी आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है बट आपका अर्निंग कम हो रहा है, आप भी परेशान हो, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इतनी मेहनत करनी है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है कि आपका फेस वैल्यू बन जाए। ट्रस्ट में, जिस दिन आपका फेस वैल्यू बन गया, लाइक मुंबई कर निखिल, पहले से व्लॉग्स बनाता है वो बंदा, मतलब बहुत टाइम पहले से बनाते हैं वो लोग, तो उनका अर्निंग आपके मुकाबले बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज उनका ओल्ड चैनल है एंड फेस वैल्यू बना हुआ है, ब्रांड्स उनकी वीडियोस पे मतलब पर्सनली एड लगाते हैं उनकी वीडियो को टारगेट करके। अब उससे ये होता है कि उनको RPM ज्यादा मिलता है, RPM ज्यादा मिलेगा तो उनका अर्निंग ज्यादा होगा, हो सकता है उनको 2-3 हजार व्यूज पर $1 मिल जाता हो, ऐसा हो सकता है। आपका जब यूट्यूब पर फेस वैल्यू बन जाता है ना, तो तब आपका अर्निंग ज्यादा होता है। आप अपना यूट्यूब पर फेस वैल्यू बना लो, आपका चैनल पुराना होता चला जाएगा, जितनी मेहनत करोगे, जितना ग्रो करोगे, उतना ही ज्यादा आपका अर्निंग भी होगा। अब अगर आपका रेगुलर वीडियोस डालते हो, 2-3 हजार व्यूज मिलते हैं, 4,000 मिल जाते हैं, 5,000 मिल जाते हैं, 10,000 मिल जाते हैं, कोई एक वीडियो एकदम से वायरल हो जाता है, तो अर्निंग कम रहता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मोटो व्लॉगर, जम्मू का भी है उनमें एक, तो मैंने उस बंदे से पूछा था, एंड उनके 17 से 18 मिलियन व्यूज पर $4,000-5,000 मिलते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेक चैनल से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम पैसा मिलता है, बट आपको यहाँ पे व्यूज ज्यादा मिलते हैं, फेस वैल्यू आपका बनता है। अगर आप ये चीज देखकर पीछे हट जाओगे कि ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, पैसा कम मिल रहा है, तो
कोई गलत बात नहीं है। व्लॉगिंग में क्या होता है कि जब आपका चैनल चल जाता है ना तो आपको लाखों में व्यूज मिलते हैं। अगर टेक चैनल है तो आपको लाखों में व्यूज नहीं मिलेंगे, वो हजारों में ही रह जाते हैं। लोग सीखना कम पसंद करते हैं। एंड जो एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस होते हैं, व्लॉग्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे लाखों व्यूज मिलते हैं। टेक चैनल पर कम व्यूज मिल रहे हैं, पैसा ज्यादा मिल रहा है। अब व्लॉग चैनल पे क्या होता है, ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं, पैसा टेक के बराबर तो मिल ही रहा है ना। आपको बस व्लॉग में मेहनत करनी होती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, खुद से कनेक्ट करना पड़ता है, रोज व्लॉग डालना पड़ता है। अब भले ही मैं रेगुलर ना अपलोड करता हूँ, बट मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है, मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ। 2017 से मैं यूट्यूब पर हूँ। मैं आपको सब कुछ खुल्लम खुल्ला बता देता हूँ। किसी भी वीडियो का अर्निंग दिखाना होता है वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ स्टूडियो में जाकर। बहुत सारे लोग तो यही बोलते रह जाते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मेन मकसद था कि मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका अर्निंग बताना, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आप वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।